हेलो, मैं विनाश कुमार LNB डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ देखिए, जो भी स्टूडेंट 2021 में मैट्रिक इंटर पास किए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई किया था, फाइनली उनको यूजर आईडी पासवर्ड मिलना शुरू हो गया है। तो जो भी यहाँ देखिए मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट है, जिन्होंने प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई किया था, उनका आईडी पासवर्ड मिलना शुरू हो गया। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप कैसे अपना आईडी पासवर्ड मोबाइल पे मंगाएंगे, मैं आपको यहाँ बताऊँगा किस तरह आप अपना फाइनलाइज करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए, किस तरह आईडी पासवर्ड ठीक है मंगाना है मोबाइल पर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना +2, ठीक है, इंटर के लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में आपको स्टूडेंट दिया गया है, इसमें आपको देखिए नीचे गेट यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है बताया गया है। तो इसमें आपको इस पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड ठीक है यहाँ आपको मंगाना है। यहाँ मैट्रिक इंटर का सेम प्रोसेस है, इसी तरह आप आईडी पासवर्ड मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ रिपोर्ट में आकर अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई है, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस टोटल वेरीफाई है, तभी आपका यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है आपके मोबाइल पर आएगा। तो चलिए पहले एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है इंटर करना है, इसका सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए इसे फिर करके सर्च बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस है, आपका नाम, आधार, बैंक अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ और जो भी मार्क्स और आधार डेट ऑफ बर्थ है, सब टोटल वेरीफाइड रहेगा, कोई भी यहाँ मिसमैच नहीं रहेगा, तभी आपके मोबाइल पर यूजर आई डी पासवर्ड ठीक है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, किस तरह यूजर आई डी पासवर्ड क्रिएट करना है ठीक है, मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ आपको देखिए यहाँ स्टूडेंट सेक्शन दिया गया है, गेट यूजर आई डी पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए गेट यूजर एंड पासवर्ड आपको दिया गया है, इसमें आपको BSB का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ ठीक है फिल कर लेना है। इस बार दोनों आप जब फिल कर लेंगे तो सेंड बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके ठीक है मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, इंटर 2021 स्कॉलरशिप डियर, ठीक है, आपका नाम यहाँ शो करेगा, पंजीकरण सफल हुआ, आपका यूजर आईडी ठीक है, आपका यहाँ यूजर आईडी आपका शो करेगा, जो भी पासवर्ड है यहाँ शो करेगा, ठीक है, कृपया लॉगिन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरा करें, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी यूजर आईडी ये पासवर्ड जो भी ऐसा मिल रहा है, इससे आप लॉगिन नहीं कर सकते, ये पासवर्ड डिफॉल्ट ठीक है आपको यहाँ रॉन्ग सेंड कर दिया जा रहा है। ये आपका जो भी पासवर्ड है 1234 है, यूजर आईडी आपका सेम रहेगा, पासवर्ड में आपको 1234 ठीक है इंटर करना है, तभी आपका लॉगिन यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए किस तरह लॉगिन करके आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, किस तरह आप यहाँ फाइनलाइज करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट क्लिक है टू अप्लाई दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए जो भी आपका यूजर आईडी है वो आपको फिल करना है, और पासवर्ड में 1234 सिर्फ टाइप करना है, ठीक है, इसका जो भी कैप्चा है कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यूजर आईडी और पासवर्ड ठीक है टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फाइनली लॉगिन कर लिया, ठीक है, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं करंट स्टेटस वेरीफाइड है, नोट में आपको पॉइंट देगा नंबर 1, योर बैंक डिटेल इज लॉक्ड फॉर पेमेंट, ठीक है, आपका अभी बैंक डिटेल लॉक है पेमेंट के लिए, यू कैन नॉट अपडेट बैंक डिटेल, ठीक है, यहाँ बैंक डिटेल अपडेट नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल मस्ट बी वेरीफाइड बाई द यूजर और इन फ्रंट फॉर द यूजर। तो यहाँ देखिए बैंक डिटेल आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय ठीक है आपने डिटेल फिल किया था, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, बैंक डिटेल ठीक है आपका यहाँ शो करेगा। इस बाद यहाँ देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन रजिस्ट्रेशन दिया गया, जो आपका ग्रीन सिग्नल आपको बताया गया है। नीचे देखिए डिपार्टमेंट एंड बेनिफिकेशन आपका हो चुका है, ठीक है, ये ब्लैक से ग्रीन आपका हो चुका है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ देखिए फलाइज एप्लीकेशन आपको दिया गया, ये ब्लैक है, ठीक है, तो इसे आपको फिल करके ग्रीन कर लेना है। तो चलिए फलाइज एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, क्लिक है टू प्रीव्यू, इसे आपको देख लेना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर आई वाज अनमेरिड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ माय 10+2 रिजल्ट। तो यहाँ देखिए मैं दोबारा घोषणा करती हूँ कि मेरे 10+2 परिणाम की घोषणा के समय मैं अविवाहित थी, ठीक है, आपको बताया गया है। तो ये सारे बॉक्स जो भी आपको दिया गया है इसमें आपको ठीक है टिक मार्क कर लेना है। तो यहाँ देखिए सारे बॉक्स में टिक मार्क करने के बाद काइंडली वेरीफाई चेकलिस्ट, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इस बाद याद देखिए वेरीफाई और डिटेल, ठीक है, आपका वेरीफाई और डिटेल का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपका स्टूडेंट नेम वेरीफाई करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, या सभी बॉक्स पे आपको याद देखिए लगभग यस ही सेलेक्ट करना है। तो जो भी फादर नेम है तो यह सेलेक्ट करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यह सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी यह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए वेरीफाई और डिटेल में सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, यस, ठीक है, इसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर यस सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी, इसका जो भी यहाँ सेक्शन है सब पे यस कर लेना है, और इसमें भी आपको यस कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे बॉक्स में यस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें आपको सारे बॉक्स में यस सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ आपको जो भी डिटेल है आपको वेरीफाई करना है और यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए फाइनल फाइनल सबमिट एप्लीकेशन आपको दिया गया, इस पर चलिए क्लिक कर लेते हैं।
तुरंत देखिए आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, जो भी मोबाइल पे ओटीपी जाएगा वो 4 डिजिट का रहेगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। इसका वेरीफाई ओटीपी प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए इसे फिल करके वेरीफाई ओटीपी एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तुरंत देखिए प्रोसीड करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, फिर इसे क्लोज कर लेना है। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जब क्लोज कीजिएगा तो फाइनली आपका ऑटोमेटिक इस तरह का आपका प्रिंट आउट ठीक है आ जाएगा। इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो भी बटन है आपको ब्लैक से ग्रीन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना प्रिंट ले सकते हैं ठीक है। ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे बैंक ठीक है अकाउंट जो भी आपको वेरीफाई फॉर पेमेंट करना है तो ये ब्लैक है और इसे अभी आप फिल नहीं कर सकते ठीक है, वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ अभी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है ठीक है, इसका प्रोसेस आपको बाद में आएगा। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो अभी ये आपका जो भी फॉर्म है कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे फॉर पेमेंट तो तब तक आपका ये ठीक है फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। जब तक आपका टोटल ये ग्रीन नहीं होगा तब तक समझिए आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है। अभी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, 90% ही कम्प्लीट हुआ है। तो इस तरह आप यूजर आईडी ठीक है और पासवर्ड पासवर्ड से लॉगिन करके अपना ठीक है फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दिया किस तरह आपको यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है आपको मंगाना है मोबाइल पे और किस तरह आपको यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। ऐसी नई अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो कीजिए। धन्यवाद।